हेलो एवरीवन आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम्स के क्वेश्चन नंबर टू पे डिस्कशन करने जा रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन और नॉट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज़ गिवन और नॉट अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग कॉन्ट बनाना होगा देन यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन कैलकुलेट जी रेट आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट निकालते हैं और उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ क्लेम का कैलकुलेशंस किया जाता है तो इस क्वेश्चन में जी पी रेट गिवेन है एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज़ फोर्टी परसेंट मीन्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है सीधे हम लोग को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स में पहली इन्फॉर्मेशन चली जाएगी टू ओपनिंग स्टॉक फिफ्टी थाउजेंड टू परचेजेज थ्री लैख रुपीज़ और परचेज में एक और पॉइंट गिवेन है आपका गुड्स विद्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय ए इसकी अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो जब भी कोई गुड्स विदड्रॉ होता है प्रोपराइटर विदड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री पास होती है ड्राइंग्स अकाउंट या टू परचेजेस अकाउंट मीन्स परचेजेस में अगर सेल्स के अलावा कोई भी गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है आप गुड्स को चैरिटी भी दे रहे हो आप गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हो आपका गुड्स डैमेज हो रहा है ड्यू टू तो एक्सीडेंट तो वो ऐसी सारी कंडीशन में परचेज से गुड्स को लेस कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो गुड्स विड्रॉ हुआ है पर्सनल यूज़ के लिए एट हंड्रेड रुपीज़ तो परचेज से थ्री लाख रुपीज़ से एट हंड्रेड लेस करके इसकी वैल्यू शो हो होगी टू परचेज़ थ्री लाख लेस ड्राइंग एट हंड्रेड टू नाइन्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड सेल्स की इंफॉर्मेशन की वे न सेल्स की वैल्यू फोर लाख रुपीज़ है और इसमें फोर थाउजेंड रुपीज़ रिटर्न भी हुआ है सेल्स रिटर्न भी है फोर थाउजेंड तो इसको लेस करने के बाद वैल्यू आएगी बाय सेल्स फोर लाख रुपीज़ लेस सेल्स रिटर्न फोर थाउजेंड रुपीज़ एंड इन अमाउंट कॉलम थ्री लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ जी पी रेट क्वेश्चन में मैंशन किया गया था विच इज़ द फोर्टी परसेंट ऑन सेल्स थ्री लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का फोर्टी परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे टेन टू ग्रॉस प्रॉफिट वन लाख फिफ्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ एंड आफ्टर दिस यू हैव टू कैलकुलेट स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट विच इज़ द बैलेंसिंग अमाउंट मीन्स फाइव लैख सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज द टोटल ऑफ डेविड साइड और उसमें से थ्री लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड लेस कर देंगे तो स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट आ गया वन लाख एलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो जहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ जीपी होती है और जो स्टॉक एट द टाइम एक्सीडेंट होता है वो आपकी बैलेंसिंग वैल्यू होती है मिस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन में स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट आ गया वन लैक अलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और जो सेल्वेज स्टॉक था सेल्वेज मिस होता है सेव्ड स्टॉक मीन्स जहाँ पे ड्यू टू एक्सीडेंट जो स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था सेफ हो गया था बच गया था उसको यहाँ पे लेस कर देंगे एलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और ये आपकी आ गई अमाउंट ऑफ क्लेम रुपीज़ वन लैख तो इंश्योरेंस क्लेम से के जो पहले के वीडियोज़ हैं जिसमें बेसिक बताया गया है कि क्या प्रोसेस फॉलो होगा पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया के जाएगा फिर जीपी रेट कैलकुलेट किया के जाएगा फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट निकाला जाएगा और अगर पॉलिसी की वैल्यू है तो किस तरह से अमाउंट ऑफ क्लेम निकाला जाएगा और पॉलिसी अमाउंट नहीं की है तो किस तरह से अमाउंट ऑफ क्लेम निकाला जाएगा इस पर डिस्कशन हो चुका है तो वो वीडियोज आप पहले आप देख लीजिए जितने सॉल्व क्वेश्चन हैं उसको देख लीजिए और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है उसको सॉल्व करने की ट्राई करिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कर सकते हैं आप और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ओके बाय हैव है नाइस डे